हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? सो आज का जो वीडियो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मोटिवेशनल है। आज का वीडियो देखकर आप कुछ सीख कर ही जाएंगे एंड ज़रूर देखें। इसीलिए मैं पहले से बता देती हूँ, 11 मिनट का जो वीडियो है ना, उसमें मैंने एक्सरसाइज बताई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो पार्ट है 15 मिनट्स का, उसमें मैंने आपके सवालों के जवाब दिए हैं। बहुत लोग परेशान हैं कि कैसे वेट लॉस करें, कुछ वेट लॉस से रिलेटेड बातें। चलो अभी एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले हम आम फैट की वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं और जो लोग एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर पाते हैं उनको भी करना चाहिए, क्योंकि घुटने की प्रॉब्लम की वजह से आप टमी अंदर नहीं कर पा रहे, लेकिन बहुत सारे लोगों का आम फैट भी होता है। और जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं और जो वॉक भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर उनका तो हर जगह का फैट बढ़ना ही है। तो इससे अच्छा कि आप बैठे बैठे बहुत सारी चीजें कर भी सकते। जो मैं सबसे पहले आम फैट की जो 3 एक्सरसाइज बता रही हूँ, वो आपको डेली करनी है, दिन में 2 बार करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपको आम फैट की करनी है, वो सिंपल ये करनी है। आपको स्ट्रेट कर लेने ऐसे हाथ, ठीक है, और उसके बाद आपको ऐसे करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. ये आपको 50 टाइम्स करना है, 3 सेट करना है, ठीक है। जिनको सिर्फ आर्म फैट ही कम करना है, वो इसे दिन में 2 बार कर ले, और 3-3 सेट, मतलब एक एक्सरसाइज के 3 सेट लगाने हैं 50 टाइम। मुश्किल से 10 से 12 मिनट का हो जाएगा। आप कभी भी टीवी देखते वक्त कभी भी कर सकते हो। इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि पेट फुल होना चाहिए या खाली होना चाहिए, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आर्म फैट की एक्सरसाइज है, नॉट टमी की, आर्म फैट की, ठीक है। तो फर्स्ट ये, उसके बाद दूसरी, इसको भी आपको काउंट करना है 50 टाइम, ठीक है। सीधा हो गया, अब उल्टा करो। 1 महीना जिनके आर्म्स लटके हुए हैं ना, फैट लटका हुआ है बहुत ज्यादा, 100% कम होगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। क्योंकि इसमें पूरा आपका हाथ में बड़ा दर्द हो रहा है इस टाइम पे क्योंकि मेरा आर्म फैट तो है नहीं है, मैं कर रही हूं इतना बहुत दर्द हो रहा है हाथ में। तो ऐसे करोगे ना, आपका आर्म फैट बच जाएगा। क्योंकि जब आप ये करते हो ना, तो ये आर्म फैट से सीधे आपके पीछे गर्दन तक पूरा आपको समझ में आता है कि हाँ एक्सरसाइज हो रही है। तो ये आप 3 सेट लगाओ 50-50 टाइम्स की, ठीक है। पहले सीधा, फिर उल्टा, ठीक है। नाउ द थर्ड एक्सरसाइज, कौन सी वाली बताऊं यार, 3 एक्सरसाइज ही कर लो, ज्यादा बता दूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सोच रही कौन सी बताऊं, चलो एक थर्ड एक्सरसाइज इजी बता देती हूँ। हाँ चलो, ये 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
ओके, तो ये वाली, ये ऐसे हाथ लिया ठीक है, और इसको हमने ऊपर करना है ठीक है, 1 2 पीछे हो जाते हैं, आपको पूरा हाथ नहीं दिख रहा है ठीक है, हाथ ऐसे लिया, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, सामने खड़ी है तो 50 सेकेंड करना है, अदरवाइज 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करके 50 कर लो, नहीं तो सामने खड़ी होगी ना तो आपको 50 सेकेंड करना है, और 10 सेकेंड का आप रेस्ट ले सकते हो, उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज कर सकते हो, इस तरह से करना है ठीक है, 3 सेट लगाने हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी 4 एक्सरसाइज आर्म फैट की। अब चलो हम टमी की बात करते हैं ठीक है, और आज सिर्फ 2 ही बता रही हूँ, आर्म फैट एंड टमी ठीक है, बाकी जिनका ये वाला पोर्शन ये बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है, किसी किसी का पूरा फैट इधर ही होता है, ऊपर से बिल्कुल दुबले पतले होंगे ऐसे,
और पूरा फिर फैट इधर होता है। इसका पूरा अलग से बताना पड़ेगा बिकॉज इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, लेट के होती हैं, कुछ बैठ के होती हैं, तो ये टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो में हम लेके जाएंगे। मुझे पता है कि इसके लिए अभी कॉमेंट्स आएंगे कि आपको ना नीचे वाला जो फैट होता है ना बहुत ज्यादा, उसका एक्सरसाइज बताओ, तो वो मैं बताऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये टमी का बता देते हैं। टमी का तो मैं इतनी सारी एक्सरसाइज बता चुकी हूँ, बट ये उनके लिए जो नहीं कर सकते वो वाली, भस्त्रिका करके वार्म अप कर लो, उसके बाद कपालभाति करना है आपको, 15 मिनट्स करना है। लेकिन अभी ये तो करना ही पड़ेगा, चाहे रुक रुक के करें। पहला वो भस्त्रिका कर लो, ऐसे सांस ली, छोड़ी, सांस लेना है तो पेट को अंदर तक लेके जाना है आपने, ठीक है, ऐसे। छोड़ देना, इस तरह से करना है, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज 10 मिनट्स तो करनी है इसको। अब उसके बाद आपको कपाल भाती करना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट रुक रुक के करो, लेकिन करो, ऐसे करना है, देखो, कुछ भी अच्छा सोचो, इससे आपको ना आपका मेडिटेशन भी हो जाएगा, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, माइंड भी फ्री होगा। ऐसे नहीं करना, बॉडी को नहीं हिलाना है, सिर्फ पेट को ही हिलाना है आपने, पेट को ही अंदर लेना है। ये करो 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, अगर आपने कर लिया आपको बहुत अच्छे से रिलैक्स मिलेगा, आपकी टमी भी अच्छी होगी, अंदर होगी, और आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, एंड आपको जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो भी अच्छी होगी। आप चलो थर्ड एक्सरसाइज बता, जस्ट आपको ऐसे स्ट्रेट करना है, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट पैर कर ही सकते हो। उसके बाद दोनों को हाथों को ऐसे रखना है एंड चक्की चलाना है आपने, सीधी चलानी है, 50 टाइम्स सीधी चलानी है, ठीक है। बैक प्रॉब्लम है तो जितना कर सको उतना करो, इतना पूरा करने की भी जरूरत नहीं, अगर ऐसे ऐसे भी कर सको, जितना भी आप आगे जा सको उतना जाओ, अपने बॉडी के हिसाब से अपनी एक्सरसाइज कस्टमाइज करो, ट्विस्ट एंड टर्न करो, तो ठीक है। 1 2 3 4 5 करेक्ट रही है, 6 7 8, ठीक है, बट ऐसे नहीं कर सकते हो, आई नो, तो थोड़ा सा इस तरह से कर लो, 8 9 10 11, चक्की चलानी है आपने, कैसे भी चलाओ, सीधी चलाओ, उल्टी चलाओ, आड़ी चलाओ, टेढ़ी चलाओ, चलाओ, तो ये सीधा हो गया, अभी उल्टा, 25 बार सीधा कर लो, 25 बार उल्टा कर लो, 50 कर लो, ठीक है, ज्यादा सेट नहीं कर पा रहे हो, कोई नहीं, जितना कर सकते हो, जितनी आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी है बस उतना करो, ठीक है। एंड दिस इज द विच एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज, सेकेंड है या थर्ड है, हाँ सेकेंड है, ये हो गया। उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज के बाद आपको इस तरह से करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पीछे देख पाओ तो पीछे भी देख लो, और अच्छी चीज है, रुको मैं कैमरा सही लगा दूं, पीछे इस तरह से देख पाओ तो अच्छी चीज, ठीक है, बट थोड़ा डिफिकल्ट है, पीछे देखना आप आगे से करो, अब पीछे देखने से क्या होगा, आपका ये कमर होता है, ये वाला, ये जो फैट होता है ना, इधर भी बहुत फैट होता है, तो ये भी जाएगा अगर आप पीछे देखोगे तो, है ना, बट नहीं देख पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही कर लो, 1 2 3 4 5 6 7
एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ठीक है। ट्वेंटी फाइव भी कर पा रहे तो भी कर लो। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन आगे तक नहीं पहुंच रहे हो कोई बात नहीं, ये टच नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, जितना कर पा रहे हो झुक पा रहे हो उतना झुक लो। एट नाइन टेन इलेवन ट्वेंटी फाइव टाइम्स करना है तो, क्योंकि ब्लॉग बहुत वीडियो बहुत लंबा हो रहा है ना, तो मैं थोड़े करके बता रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो, ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, एज वेल एज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल, लाइक करते तो खुशी होगी मुझे बहुत ज्यादा, और मेरे काम को थोड़ा सा एप्रिसिएशन होगा आपकी तरफ से। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आप मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहें। तो जो जो मैं अपनी जिंदगी में करती हूँ, सीखती हूँ, पढ़ती हूँ, जो भी करती हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। चलो ठीक है, हैव अ नाइस डे एंड आपका दिन खूब अच्छा जाए आने वाला, क्योंकि ब्लॉग तो ये रात में जाने वाला है, नेक्स्ट मॉर्निंग अच्छा आने वाला है। लेग इन करना आपको आज ही से है, कल से नहीं करना है, कल क्योंकि आएगा फिर बोलोगे अच्छा कल से करते हैं, अच्छा कल से करते हैं। जो आज करता है ना वही सब कुछ कर लेता है, वही सक्सेसफुल होता है जिंदगी में मेरे हिसाब से, चाहे वो काम हो, चाहे पूजा हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे कोई भी पेंडिंग वर्क हो। ठीक है, हमारा पेंडिंग वर्क क्यों होता है, क्योंकि हम कल के लिए रखते हैं, इसीलिए आज कर लोगे तो थोड़े ना होगा पेंडिंग वर्क। ठीक है, तो चलो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखें अपना एंड खुश रहें, हैप्पी रहें। मेरी लाइफ में भी बहुत दुख है यार, लेकिन मैं हैप्पी रहती हूँ यार, खुश रहती हूँ, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, सबकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, लेकिन खुश रहो एटलीस्ट, ये तो हमारे बस में, जो बस में है वो करो। चलो अच्छा ठीक है, बाय बाय। अभी देखो कितना बज गया, अभी 11:15 बज गया। ठीक है, एंड अब मैं अपनी क्लास करने जा रही हूँ, मेरी क्लास का टाइम। ओके गाइस, सो वेलकम बैक ऑन आवर चैनल अगेंस्ट द मॉम एंड ड्यूटी, फैक्ट टू फिल विद प्रियंका। चलो, तो बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि भाई मेरे पैरों में दर्द होता है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ, और या मेरा बच्चा फीड करता है और अभी सी सेक्शन हुआ है तो मैं एक्सरसाइज नहीं करती, या बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी कमज़ोर है इसीलिए मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ, थक जाती हूँ। तो तीनों क्वेश्चन का ये आंसर है, फर्स्ट कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, आपके पैर में प्रॉब्लम, पैर में घुटने में प्रॉब्लम होती है ना, तो वो लोग, उनको भी डॉक्टर थोड़ा सा स्मूथ वॉक सजेस्ट करते हैं कि हल्का हल्का आप चलो, जिससे कि ना दिन भर बैठ ही ना रहो, थोड़ा भी चलो, चाहे आप किचन में पानी लेने जाओ, चाहे मोबाइल उठाने जाओ, चाहे कुछ भी। तो जो लोग ऐसे हैं ना उनको ट्राई करना चाहिए घर में खुद का काम स्वयं करें, जाके मोबाइल उठाएं, पानी का गिलास रख दें, पानी का गिलास लेके आए, या कोई चीज रखी है उसको बेडरूम में रख दें, बेडरूम की चीज ड्राइंग रूम में, इतना तो करना ही चाहिए। एज वेल एज एक्स्ट्रा में थोड़ा सा खाने के बाद एक डेढ़ घंटे बाद घर में ही स्मूथ वॉक कर सकते हैं। ठीक है, इनकी परिस्थिति ऐसी है, बट स्टिल जो नॉर्मली चल भी सकते हैं अच्छे से, फिर भी ज्यादा एक्सरसाइज करने से घुटनों में दर्द या पैरों में दर्द होता है, तो उनको वॉक करके भी वेट लॉस कर। मेन ये होता है कि आपको अपनी फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, चाहे आप वॉक करो, चाहे आप जुम्बा करो, चाहे आप एक्सरसाइज करो, योगा करो, कुछ भी करो, आपको फिजिकल एक्सरसाइज एटलीस्ट 35 to 40 मिनट अपनी बॉडी को देनी चाहिए। रही बात डाइट की, यस डाइट एक ऐसी चीज है जो एक गेम चेंजर होती है आपकी जिंदगी की, इवन आपकी बॉडी के लिए भी। सो विदाउट एक्सरसाइज आप डाइट फॉलो करके वेट लॉस कर सकते हो, नो डाउट, बट एक खुशहाल जिंदगी के लिए, एक स्वस्थ जीवन के लिए, हमारी जिंदगी सिर्फ वेट लॉस पे नहीं खत्म होती है, उसके आगे पूरी जिंदगी है ना। तो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, एक खुशहाल जिंदगी के लिए, हमें अपने जीवन में एक्सरसाइज का मतलब
वही नहीं है जो इस तरह से, आई एम नॉट से, वो उनके लिए डेली बताती हूँ जिनका टारगेट अपने एक ड्रीम टारगेट पे आना है, अपना जो वेट है उनको कम करना है, तो उसके लिए मेरे को वर्कआउट करना ही पड़ता है कुछ भी हो। लेकिन हाँ, वेट लॉस के बाद जिंदगी तो बहुत लंबी है, इसका मतलब ये नहीं है आप सब छोड़ दोगे, वेट लॉस कम हो गया है अब तो मैं और तुम कौन है ना, ऐसा वाला नहीं होता है। आपको एक खुशहाल जीवन के लिए, एक स्वस्थ जीवन के लिए वर्कआउट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड वर्कआउट कैन बी एनीथिंग, आप रात में अपने पार्टनर के साथ वॉक पे जा सकते हो, फोन पे आप करके वर्कआउट कर सॉरी वॉक कर सकते हो। ट्राई करना कि फोन पे ऐसे हाथ करके वॉक ना करें, अदरवाइज वो फायदा नहीं करता है। अगर आप हो सके तो हेडफोन लगा लें। तो कहने का मतलब है कि लाइफ ना बहुत लंबी होती है, उसको स्वस्थ रखने के लिए हमें अपना वर्कआउट करना जरूरी है। बट कुछ लोग कहते हैं बीइंग अ हाउस वाइफ हम दिन भर काम करते हैं, दिन भर काम करते जरूर हो, आई नो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है कि आप एक्टिव रहते हो, बट अपने दिमाग को अपने बॉडी को रिलैक्स करके अगर आप जो वर्कआउट करते हो ना, उसकी बात अलग होती है। ठीक है, तो फिर क्यों इतना लोग घर में काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सब करते हैं, ठीक है ठीक है, तो फिर क्यों वो लोग दुबले नहीं होते हैं अगर इतनी इम्पोर्टेंस है उसकी? नहीं, हर चीज लाइफ में बैलेंस की जरूरत होती है, हर चीज की जरूरत होती है, बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है जिंदगी में। ठीक, सो लाइफ में ना बैलेंस की बहुत जरूरत होती है, आपको फैमिली भी देखनी है, आपको बच्चा भी देखना है, आपको खुद को भी देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लव योर सेल्फ, लव योर बॉडी, एंड अपने बॉडी को हर दिन निखारते रहो, है ना। ये एक दिन का नहीं है ये चीज, कि हर चीज आप एक दिन में पूरी कर लोगे। ठीक है, तो जो लोग पतले भी हैं, जिनको वेट लॉस नहीं भी करना है, तो उनको भी डेली वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट इन द सेंस, अगेन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जिम में जाके दो दो घंटे पसीने बहाओ, नहीं, वॉक करो, जुम्बा करो, बेली डांस करो, या कुछ भी करो एक्सरसाइज, लेकिन करो 35 मिनट अपनी बॉडी को दो। अच्छी डाइट, हाँ मैंने जिससे पहले अभी टॉपिक ये, अच्छी डाइट जो होता है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे डिपेंड होता है। ठीक है, अब लोग मेरे से पूछते हैं कि जैसे कि थायराइड होता है जिनको, ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है ना वो बहुत लो होता है, जैसे कि मेरा, मैंने जब वेट लॉस स्टार्ट किया था तो मेरा 15 डेज तक आंख मिचोली खेल रहा था वेट, जो मशीन है ना, जैसे मेरा 74 था, एक दिन में 20 ग्राम कहती हूँ मैं उसको, 73.80 हो जाता था, तो जो 20 ग्राम नहीं होता है वो 200 ग्राम होता है, एक्चुअली मैं उसको 20 ग्राम ही बोलती हूँ, तो कंफ्यूज मत करना, जो पॉइंट के बाद का जो आता है वो 200 होगा, 100 होगा, ऐसा होता है, 100 होता है, 200 होता है, 500 होता है, 600, 800, 900, एंड ऐसा जब हो जाता है तो 1 किलो कम हो जाता है। ठीक है, तो जब मेरा होता था ना, मान लो मेरा 200 कम हो गया, तो मैं तो बड़ी खुश होती थी, अरे मेरा कम हो गया, और जब नेक्स्ट डे देखा तो फिर से 74। तो ये आंख मिचोली मेरा 15 दिन तक चलता रहा, लेकिन 15 दिन मैंने क्या किया, 15 दिन तक चलता रहा, 15 दिन के बाद अपने आप वेट लॉस हो गया, होने लगा। वो क्यों हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ कि वेट लॉस को पता चल गया कि अभी 15 दिन तक इसने काफी झेल लिया, चलो वेट लॉस होते, नहीं, 15 दिन तक मैंने अपनी डाइट फॉलो करी, अच्छी डाइट फॉलो करी है, वर्कआउट किया है, तो इससे क्या होता है ना, आपका मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा हो जाता है, तो जो हमारा फैट बर्न होता है ना, फिर वो फटाफट हो जाता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा होता है, जिसकी वजह से आपका फैट बर्न होने लगता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक महीने से हम ये कर रहे हैं लेकिन वेट टस से मस नहीं हो रहा, बट आप ये तो सोचो, वेट नहीं टस से मस नहीं हो रहा, मतलब हिल नहीं रहा है आप, लेकिन जो डाइट फॉलो कर रहे हो वो आपकी बॉडी को बेनिफिट दे रहा है ना, आपकी मेटाबॉलिज्म को अच्छा कर रहा है और आपको इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, आपके इंचेस भी कम हो रहे हैं, तो वेट भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो एक्सरसाइज कर रहा हो और जो अच्छी डाइट फॉलो कर रहा हो, प्रॉपर मील्स ले रहा हो, उसका वेट कम ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। या तो फिर आप हाँ, ये मेडिकल अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो बात अलग है, मैं उस बात की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ 4 लोगों के टाइप की बात कर रही हूँ, जिनको पीसीओडी है, जिनको थायराइड है, जिनको डायबिटीज है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, इन 4 लोगों का 100% वेट लॉस स्टार्ट होता ही है अगर वो सिंसियरली 15 से 20 दिन
अच्छे से डाइट प्लस वर्कआउट कर लें विदाउट स्ट्रेंथ। अगर आप इसका भी स्ट्रेस लोगे नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, मैं अपनी एक फ्रेंड है मेरी जिसका वेट लॉस हो रहा है, कैसे हो रहा है वैसे ही हो रहा है, करवा रही हूँ, कह दो मैं ही करवा रही हूँ, समझ लो पर्सनली हैंडल कर रही हूँ उसको, तो उसका भी हो रहा है। इसको पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। सेकंड क्वेश्चन क्या था, आई डोंट नो मैं भूल गई। सेकंड क्वेश्चन क्या था, जो भी था मैंने सारे आंसर इसमें दे दिए। सो मेटाबॉलिज्म कैसे अच्छा होता है डाइट फॉलो करके, एंड डाइट कैसे फॉलो करना है मैं डेली अपने वीडियोस में बताती हूँ, बताना मैं एक डाइट प्लान दे दूंगी जो कॉमन होगा सबके, है ना, क्योंकि जो सभी लोग फॉलो कर सकते हैं, जिनको कुछ भी हो वो फॉलो कर ही सकते हैं, लेकिन जिनको कोई मेडिकल कंडीशन है तो उनकी डाइट प्लान एक्चुअली पर्सनली अलग ही होती है, जो कि मैं ऐसे तो नहीं दे सकती हूँ। ठीक है, उनको तो अपना पर्सनली जाके किसी को अपना सारा रिपोर्ट दिखाना होगा, उसके बेसिस पे वो डाइट प्लान बनता है। बट जो जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, जो मेरे जैसे हैं, उनको एक बेसिक डाइट प्लान जो होता है वो कहो तो मैं शेयर कर दूं, जिससे कि आपको वो आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से किस, हाँ टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी वेट लॉस जर्नी में, क्योंकि अगर आप कोई चीज 3 बजे सुबह 8 बजे खा रहे हो और लंच 4 बजे खा रहे हो तो बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी, बॉडी को आप खुद कंफ्यूज करोगे कि भाई हो क्या रहा है हमारे साथ। बॉडी एक हमारी एक जीती जागती चीज है ना, आप कुछ कभी कुछ खा रहे हो कभी कुछ खा रहे हो तो वेट लॉस नहीं होगा। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम भी बहुत जरूरी है कि आपने ब्रेकफास्ट अगर करना है तो 8:30 से 9 के बीच में कर लेना है, 11 में आपको मिड ब्रेकफास्ट करना है, लंच 1 से 2 के बीच में कर लेना है, शाम की 4 बजे की ग्रीन टी या मिल्क वाली टी वो कर लेना है, 7 बजे आपको 7:30 बजे अपना डिनर फिनिश कर लेना है। ठीक है, तो चलो इतना तो मैंने आज बता दिया है। जो लोग परेशान हो रहे हैं, फालतू में परेशान हो रहे हैं यार, अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है लेकिन आप कुछ तो चेंजेस देख रहे होगे ना अपनी जिंदगी में, आपको कुछ तो खुशी मिल रही होगी कि आप खुद के लिए कुछ कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, अपनी डाइट अच्छी कर रहे हो, मिल रहा है ना, तो वेट लॉस भी हो जाएगा धीरे धीरे। एक और क्वेश्चन याद आ गया, मैंने स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन बोले थे जिनके 2 मैं जवाब दे चुकी हूँ, एक तो इम्यूनिटी का जवाब दे चुकी हूँ और जिनके घुटनों में दर्द वगैरह है उसका भी, एक रह गया जिनका सी सेक्शन अभी हुआ है, 1.5 साल हुए हैं और जिनका बेबी छोटा है, फीडिंग चल रही है, भाई उन मॉम्स को मेरी यही रिक्वेस्ट है, पहले तो अपना ये जो मदरहुड पीरियड है वो उसको इंजॉय करें, बिकॉज ये वापस नहीं आएगा, आएगा जब आप सेकंड प्लानिंग करोगे, बट राइट ना एंजॉय दिस एज वेल एज, मैं ये नहीं कहती कि अगर आप मम्मी बने हो तो इंजॉय तो करना ही है, बट इस अपना भी ख्याल रखना है। आप अपना ख्याल का मतलब ये नहीं है कि दुबले होने के लिए आप टाइटिंग करो, नहीं बाबा कभी भी नहीं। मैं पर्सनली मैं अपने आप को इस टाइम पे सोशल मीडिया पे नहीं समझ के बोल रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि आप एक मदर हो जिसका बेबी है और आपके सामने मैं बैठी हुई हूँ, मैं आपकी फ्रेंड हूँ जो मैं आपके घर पे आई हूँ, तो ये समझ के मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर आपका बेबी फीड कर रहा है और अभी सी सेक्शन हुआ है, कोई भी एक्सरसाइज ना करें, सिर्फ आप वॉक करें, आपने जैसे कि होता है ना घर में भी आप वॉक कर सकते हैं, ठीक है, आराम से 30-45 मिनट आराम से कर सकते हैं, और अगर आप बच्चे को लेके जा रहे हो बाहर घुमाने उसमें तो उसके साथ भी कर सकते हो। प्लस सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए डाइट अच्छे से फॉलो करना, एंड यमी सारी क्रेविंग्स उस डाइट से आपकी हट जानी चाहिए। कहने का मतलब है सिर्फ 5 चीजें ध्यान रखो, आपका जो वेट है ना बढ़ेगा नहीं, बल्कि अगर आप मान लो उस दौरान को आप दिन भर बैठे हो और वैसे बेबी की केयर में लगे पड़े हो, फिर भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो अपने अपने को, बट ये 5 चीजें तो ध्यान रख सकते हो आप अपने लिए। पहला, अपने बॉडी को खूब अच्छे से हाइड्रेट करो, डिटॉक्स वाटर भी बना सकते हो आप अपने लिए, एक बॉटल में आप उसमें कुछ लेमन और प्लस ऑरेंजेस वगैरह, मिंट वगैरह, धनिया पानी, धनिया डाल के एक बना सकते हो 1 लीटर का, ठीक है, जिसको आप सिप सिप करके थ्रू आउट द डे या 3-4 बार में आप पी सकते हो, ठीक है। सो अपनी बॉडी को हाइड्रेट करो। सेकेंड, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, वो तो लेनी है, नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा फिर। थर्ड, स्ट्रेस फ्री रहो। स्ट्रेस फ्री का मतलब ये होता है कि स्ट्रेस को मैनेज करो, बिकॉज वो तो जिंदगी से बहुत ही कम है, लोग जिनको कोई स्ट्रेस नहीं है जिंदगी में वो लकी लोग हैं, बट ऑलमोस्ट 99% लोगों को स्ट्रेस होता ही है, उसको बस हमें मैनेज करना आना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, ठीक है, फोर्थ चीज, डोंट ईट एनी पैक्ड फूड, कुछ भी पैक मत खाओ,
जो होता है ना ड्राई फ्रूट्स के नाम, मतलब कॉर्नफ्लेक्स के नाम पे या ग्रैन्यूल्स के नाम पे बहुत सारी चीज़ें जो डाइट फ्री मिलती हैं, शुगर फ्री मिलती हैं, या घर का तला भुना हुआ या बाहर का, ये सब बंद कर दो। इवन मैं तो बोलूँगी आपको, आपके लिए अगर घर में लड्डू बनाए गए हैं आटे के, ड्राई फ्रूट्स के, घी से लथपथ, वो आप ले लो। इवन मॉर्निंग में एक लड्डू विद अ ग्लास ऑफ मिल्क ले सकते हो। इवन आप ना इस टाइम पे भी अच्छा डाइट फॉलो करके भी वेट लॉस कर सकते हो। बस हमें करना है कि हमें राइट फूड चॉइस करनी है, राइट फूड चॉइस करनी है, राइट टाइम चॉइस करनी है, और थोड़ा सा अपने बॉडी को मूवमेंट करना है। देखना आपको इतना अच्छा लगेगा, आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा, आपको इम्यूनिटी भी आएगी एंड यू विल फील फ्रेश। ठीक है, तो जब आप रेडी हो जाओ वर्कआउट करने के लिए तो कर लेना, इतनी जल्दी क्या है। मैं बहुत सारी मम्मी को यही बोलती हूँ, इतनी जल्दी क्या है, जल्दी किसी चीज की मत करो। वेट लॉस अपने आप शेप में आ ही जाओगे एक ना एक दिन, बट उसकी शुरुआत अभी से कर दो, है ना, धीरे 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 धीरे। एंड अच्छी डाइट लो, खूब सारा मिल्क लो, लड्डू लो, एंड खाने पीने का ध्यान रखो, वेजीज फ्रूट ये सब करो, बट टाइमली करो। एंड हो सके तो थोड़ा पोर्शन कंट्रोल कर लेना, बाकी नथिंग यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना है। फ्राइड फूड अलग रखना, फ्राइड फूड नहीं खाना है। तो ये चीज, पांच चीजें आप करो एटलीस्ट, एंड यू कैन सी द रिजल्ट इन योर बॉडी, इन योर माइंड एंड योर स्माइल। आपको डेली अपना वेट चेक करना है, मॉर्निंग में उठना है, फ्रेश होना है, और उसके बाद सबसे पहले जस्ट रिमूव योर क्लोथ एंड जस्ट स्टैंड ऑन दी वेइंग मशीन पे लेना है। और आपको जितना भी वेट आए, चाहे ज्यादा आए चाहे कम आए, एक डायरी में लिख लेना है पर डे के हिसाब से, डेली डेट डालो और लिख लो। ठीक है, ये फोर्थ रूल है। फिफ्थ रूल, आपको अपना जो लास्ट मील है वो ट्राई करना है कि 7 बजे तक ले लेना है, नहीं तो 7:30 तक ले लें बस। अगर इसके बाद जैसे 7:30 बजे डिनर लेते हैं तो भूख लगती है ना, तो उसके बाद आप ना बिफोर गोइंग टू स्लीप उसके 1-1.5 घंटे पहले सोने, मान लीजिए आप 11 बजे सो रहे हैं तो आप 9:30 बजे एक जो चाय वाला कप होता है वो दूध प्लस उसके साथ एक टुकड़ा गुड़ का, गुड़ सूट नहीं करता, दैट इज सो गुड, मतलब वो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग जैगरी लेते हैं दूध के साथ फिर भी जिनको सूट नहीं करता, कोई बात नहीं, आप उसके साथ कोई भी मतलब हल्दी डाल के हल्दी वाला दूध ले सकते हो, सादा ले सकते हो, प्लेन ले सकते हो। ठीक है, तो ये 5 रूल्स आपको ध्यान रखने हैं।